अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो है पेमेंट गेटवे से रिलेटेड। पेमेंट गेटवे जो है, जो टॉपिक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सेंसिटिव भी है, क्योंकि जहाँ पैसे की बात आ जाए तो आपको पता है चीज़ें जो है नाजुक हो जाती है, तो क्लाइंट को भी जो है ज़रा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक। तो हम जो है इसके ऊपर जो है डिस्कस करेंगे आज, और इससे कुछ फ्लॉज हैं वो, और जो है जो कॉमन फ्लॉ होते हैं एक्चुअली वो हम डिस्कस कर रहे होंगे, और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो हम जो है देख रहे होंगे इसकी। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इस सेशन के अंदर जो है हम 4 पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। कि पहला तो ये कि हम इंपॉर्टेंस समझेंगे पेमेंट गेटवेज की, सही है, और दूसरा जो है हम कॉमन स्टेप्स होते हैं जो कि पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने के, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। और हम जो है फिर आपको बताएंगे कि जो भी सैंपल हमारे पास प्रोजेक्ट है एक स्ट्राइप का, तो हम वो आपके जो है उसका सैंपल दिखा रहे होंगे कि किस तरह जो है उसमें वो जो फ्लोज हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। और लास्ट जो है, जो फोर्थ पार्ट है वो पॉइंट है, वो ये होगा कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हम उनके जो है आंसर कर रहे होंगे, सही है। अच्छा, पेमेंट गेटवेज जो है क्यों ज़रूरी है, सबसे पहला जो सवाल है। इससे काफ़ी सारे फायदे हैं, लेकिन उनमें से जो है 5 जो है वो मैंने जो है निकाले। सबसे पहला तो ये है कि जो है बहुत जल्दी पेमेंट हो जाती है, इंस्टेंट हो जाती है, सही है। तो इसमें मिसाल तो अभी आपके पास कैश नहीं है, तो इससे क्या होता है कि आपको कैश जो है मसला नहीं होता, आपको जो है पैसे खुले नहीं करवाने पड़ते। जैसे आमतौर पे होता है कि आप जैसे किसी फूड डिलीवरी वाला आपके पास है तो आपको जो है वो पैसे खुले करवाने का मसला, उसके पास खुले ना हो, तो ये कोई बिल्कुल भी मसले नहीं होते। तो इससे जो है आप डायरेक्टली इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन। अच्छा, सिक्योरिटी जो है, बात जो है सिक्योरिटी वाला जो है इसमें है कि आजकल जो हमारे पेमेंट गेटवेज हैं ये एनक्रिप्टेड होते हैं, SSL होते हैं इनके साथ, और जो है ऑथराइजेशन टोकन वगैरह के जरिए जो है पेमेंट हो रही होती है, और फुली जो है एनक्रिप्टेड होती है पेमेंट। तो जो है सिक्योरिटी जो है काफ़ी हाई होती है, तो आप जो है आपको गली में कोई लूट नहीं सकता, तो तभी जो है पेमेंट गेटवेज काफ़ी सिक्योर होते हैं। और जो है कस्टमर जो है काफ़ी कन्वीनियंस रहता है इससे, इंक्लूडिंग मर्चेंट भी। देखें कस्टमर इसलिए कि उसको जो है बहुत जल्द उसकी पेमेंट हो जाती है, उसको जो है क्या बोलते हैं, उसको बाकी चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मर्चेंट के लिए जो मेन फायदा वो ये है कि उसको एक वेरिफिकेशन होती है कि भाई जो है पेमेंट आ गई है, तो मतलब उसको डिलीवर करने में भी जो है कोई मसला नहीं होता। कि भाई होता है कि जैसे कैश ऑन डिलीवरी में होता है एक्चुअली, कि जब हम मर्चेंट जो होता है वो तरह सा उसको होता है कि यार वो ना हो कि जब डिलीवर करने जाऊँ, मैंने एक प्रोडक्ट रेडी कर लिया, डिलीवर करने जाऊँ तो कस्टमर ही ना मिले, राइट। तो एक्चुअली इससे क्या होता है कि हमारी जो पेमेंट होती है हमें पहले ही जो है मिल चुकी है, तो एक जो है वेरिफिकेशन होती है कि भाई जो है कस्टमर जो है कहीं नहीं जा रहा। दूसरी जो चौथा पॉइंट है वो ये कि ट्रांसपेरेंसी। हमें देखें जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होते हैं इनके अंदर जो पोर्टल होते हैं उसमें आपको एक एक पैसे का जो है रिकॉर्ड मिल रहा होता है, कि आपका जो है ट्रांजेक्शन जो है पूरी जो है उसकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, डिटेल आ रही होती है, आपके सारा रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, तो आप इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो पांचवा और एक मेन जो है पॉइंट है वो है कॉन्टैक्टलेस। देखें कोविड में जैसे हमारे पास है तो कॉन्टैक्टलेस जो डिलीवरी इसका जो ऑप्शन है काफ़ी जो है फेमस हुआ, कि कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, काफ़ी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन ने भी कॉन्टैक्टलेस जो है डिलीवरी जो है इनेबल करवाई। तो कॉन्टैक्टलेस में क्या होता है कि आप कॉन्टैक्ट किए बगैर ही जो है आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, तो आपको जो है वो जो चीज़ मिल जाती है। तो एक तरह से ये कॉन्टैक्टलेस जो है पेमेंट गेटवेज आपको बीमारियों से भी बचा देते हैं। तो इसके ये 5 फायदे हैं जो पेमेंट गेटवेज जो है क्यों ज़रूरी है। तो इन फायदों से हमें पता चलता है कि जो है पेमेंट गेटवेज जो है क्यों ज़रूरी है मार्केट में। अच्छा, इसके बाद आता है दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, जो फ्लो के स्टेप्स। देखें पेमेंट गेटवेज के तकरीबन जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं तकरीबन के जो है ये स्टेप्स जो है, ये 5 स्टेप जो हैं वो सेम ही होते हैं। उसमें पेमेंट इनिशिएट हो रही होती है, पेमेंट या कैंसिल हो रही होती है, या ऑथराइज होती है, कैप्चर होती है, रिफंड होती है। तो ये मोस्टली पेमेंट इनके नाम चेंज होंगे, जैसे इनिशिएट है तो किसी जगह ये रजिस्टर होगा, तो किसी जगह कैंसिल को रिफंड बोल देंगे या कैंसिल को रिवर्स बोल देंगे। तो लेकिन जो है मेन जो कॉन्सेप्ट स्टेप्स हैं वही सेम ही रहते हैं, कि इनमें ये 5 चीज़ें हो रही होती हैं पेमेंट्स के अंदर मोस्टली। अच्छा, अब जो है इसके जो फ्लोज के स्टेप्स हैं इनको हम डायग्राम में भी देखेंगे। ये डायग्राम जो है स्टेप्स हैं इनकी, तो भाई किस तरह जो है पेमेंट जो है फ्लो चल रहा होता है। अच्छा, जब भी पेमेंट कोई इनिशिएट होती है या तो वो सक्सेस होती है या फेल होती है। तो मैं आपको यहाँ पर जो है ज़रा सा पॉइंट कर देता हूँ, इसको ज़रा सा हाइड कर लूँ। देखें जब भी पेमेंट जो है इनिशिएट होती है तो आमतौर पे जो है वो कैंसिल हो सकती है। पेमेंट इनिशिएट होने के बाद मिसाल तो मैंने पेमेंट इनिशिएट की, मेरे पास जो है एक चेकआउट का ऑप्शन है, मैं वहां पर जाके मैंने कैंसिल कर दी पेमेंट, मतलब ये जो है मैंने पेमेंट के अपने कार्ड की डिटेल किए बगैर जो है कैंसिल कर दी। तो जो है अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो जो है एक फ्लो जो है एकदम से फेल हो रहा है, तो एक तो ये मतलब एक स्टेप है। दूसरा ये कि अगर वो कैंसिल नहीं करता और वो आगे कार्ड की डिटेल करके पेमेंट कर देता है तो जो है पेमेंट जो है करने के बाद भी जो है कैंसिल हो सकती है। मतलब ये कि वो जो है मिसाल तौर फूड डिलीवरी एप्लीकेशन होती है, उसमें जो है एक कस्टमर ने जो है एक ऑर्डर लगाया, उसने जैसे एक बर्गर मंगवाया, उसने पेमेंट कर दी, लेकिन जब ऑर्डर गया रेस्टोरेंट जो है रेस्टोरेंट के पास वो जो है वो आइटम ही खत्म हो चुके थे, उसका जो रॉ मटेरियल था वो भी खत्म हो चुका था, तो उस केस में वो कैंसिल कर सकता है। तो मतलब वो कैप्चर नहीं करेगा, वो कैंसिल करेगा तो भी जो है उसके पास ये फेल केस हो जाएगा। तो मतलब ये कि उसको पैसे जो है दोनों केसेस में देखें, जब भी पेमेंट कैंसिल होते हो जो है जो कस्टमर है उसको पैसे वापस जा रहे हैं। लेकिन अगर वो कैंसिल नहीं करता रेस्टोरेंट और वो जो है पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है और वो अमाउंट जो है जैसे ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा तो उसका जो पेमेंट होगी वो कैप्चर हो जाएगी। कैप्चर जब हो जाती है इसका मतलब ये है कि कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकल के जो है मर्चेंट के अकाउंट में आ गए पैसे। तब जब ऑथराइज पेमेंट थी तब जो है ना वो मर्चेंट के अकाउंट में जो है दाखिल नहीं हुए थे, अभी तक जो है ऑथराइज हो गई थी पेमेंट, जो है वो कस्टमर के अकाउंट से तो कट चुकी थी लेकिन जो है उसके पास, लेकिन अभी मर्चेंट के अकाउंट में दाखिल नहीं हुए थे। जब वो उसको एक्सेप्ट करता है, वो कैप्चर करता है, तब जाके जो है वो मर्चेंट के पास पेमेंट आ जाती है। सही है। अच्छा, जब पेमेंट कैप्चर हो जाती है उसके बाद फिर जो है हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता है। मिसाल तौर जैसे ऑर्डर जो है कैप्चर हो गया हमारे पास और यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है। कुछ केसेस होते हैं मिसाल तौर जैसे कि ऑर्डर जो है जो है हो गया था प्लेस, लेकिन किसी वजह से जो है चाहता है रेस्टोरेंट के जो है वो कैंसिल कर दे उसको। सही है। मिसाल तौर उसको कैंसिल कर दे उस ऑर्डर को, तो तब केस में होता है रिफंड। होता है रिफंड। रिफंड और कैंसिल में एक बेसिक फर्क होता है। देखिए रिफंड में क्या होता है, कैंसिल में क्या होता है कि आप जो है क्योंकि पेमेंट जो होती है अभी वो मर्चेंट के पास आए नहीं होती तो वहीं से जो है लौट जाती है कस्टमर के पास, तो मतलब इसमें कोई चार्जेस डिडक्ट नहीं होते। लेकिन जो कैप्चर अमाउंट होता है उसमें क्या होता है कि वो एक दफा फिर से रिफंड हो रही थी, मतलब ये कि फिर से जो है मर्चेंट के अकाउंट से निकल के जा रही होती है कस्टमर के पास, तो उसमें जो है अमाउंट जो है कट रहा होता है। तो रिफंड में एक्चुअली जो है यही चीज होती है डिफरेंट, देखिए उसमें जो है वो पेमेंट कैप्चर होने के बाद जो है रिफंड हो रही होती है, उसमें अमाउंट जो है कुछ जो है डिडक्ट कर रहा होता है पेमेंट गेटवे। तो यही है, इसमें अगर वो रिफंड होती है तो वो भी एक फेल केस है और वो रिफंड नहीं होते तो वो एक सक्सेस केस है। तो इस तरह जो है हमारा एक पेमेंट का फ्लो जो है चल रहा होता है मोस्टली पेमेंट गेटवेज में। सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये जो हमारे पास एग्जांपल जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जांपल हमारे पास स्ट्राइप जो है उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। हमने हमारे पास एक सैम्पल प्रोजेक्ट है, उसको मैं रन करके जो है एक आपको एक जो है एग्जाम्पल पेमेंट लगा के दिखाऊंगा। अच्छा, ये हमारे पास जो है स्ट्राइप का एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, उसका जो है वो टेस्ट डेटा आ रहा है और ये हमारे पास एक एग्जांपल प्रोजेक्ट है स्ट्राइप का जिस पर जो हम पेमेंट लगाएंगे उसका जो डेटा जो है यहाँ पर शो हो रहा होगा एक टेस्ट इन्वायरमेंट में। इसकी हमने ईपे की वगैरह इस एग्जांपल प्रोजेक्ट में लगा रखी है। तो मैं सबसे पहले जो है मैंने आपको जैसे कहा था कि हमारे पास पेमेंट जो है इनिशिएट हो रही होती है, तो मैं सबसे पहले जो है पेमेंट इनिशिएट करता हूँ। अच्छा, ये एग्जांपल प्रोजेक्ट है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये 100% प्रॉपर नहीं है, ये जैसे एग्जांपल है आपको दिखाने के लिए जो है आपको एक हल्का सा ओवरव्यू, इसमें हल्की सी जो है प्रोग्राम लिखे हुए हैं जो कि बेसिक जो फ्लो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। डिटेल में नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो है किस तरह पेमेंट जो है फ्लो चल रहा है इसका। सही है। अच्छा, मैं सबसे पहले जो है पेमेंट इनिशिएट करता हूँ। जैसे मैं इनिशिएट करता हूँ तो मेरे पास एक कंट्रोलर में जो है एक रिक्वेस्ट आ गई है तो इनिशिएट करने की, तो मैं इसको जो है कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर अपना डोमेन जो है दे दिया, यूआरएल दे दिया, बेस यूआरएल लेके हमसे ये आगे हमारे पास कॉल बैक्स में यूज हो रहा होता है। अच्छा, कॉल बैक डिस्कस कर ही लेता हूँ। जैसे जब भी जो है पेमेंट जो है कंप्लीट हो जाए या फेल हो तो क्या एक्शन हो, तो क्या हो, तो मतलब ये इसके लिए जो है हमारे पास कॉल बैक्स होते हैं, कॉल बैक्स यूआरएल होते हैं कि जब भी जो है पेमेंट सक्सेस होती है या फेल होती है तो हमारे पास एक जो हमारे पास पेमेंट गेटवे है तो हमें एक यूआरएल पे रिडायरेक्ट करता है, तो वो यूआरएल जो है वो ये है। सक्सेस के लिए हमने जो है एक यूआरएल बता रखा है और फेल के लिए जो है दूसरा यूआरएल बता रखा है। अच्छा, सबसे पहले जो है ये एक स्टाफ पे क्या होता है कि पेमेंट सेशन जो है क्रिएट होता है, इनिशिएट होता है एकदम से, तो उसमें जो है हम कुछ इन्फॉर्मेशन है हम बता रहे होते हैं, और उसमें जैसे हम लोग ये बता रहे हैं पेमेंट मेथड कार्ड होगा, सही है, उसमें हम जो है कुछ मेन्यू आइटम की डिटेल दे रहे हैं, बट ये तो डिफॉल्ट है, मतलब ये कि डेमो आइटम्स हैं। और यहाँ पर अमाउंट देखें वैसे 20 ऐसी की है, लेकिन ये सेंट्स में होते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं, तो जैसे 100 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो अगर 1 रुपये की पेमेंट इनिशिएट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं क्या हमसे, तो ये है। और इसके बाद जो है मोड पेमेंट है, तो इसके अलावा सक्सेस और जैसे मैंने कहा कि आपको कॉल बैक्स यूआरएल है वो हम दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि कैप्चर होती है पेमेंट, अच्छा पेमेंट कैप्चर होती है, लेकिन इसमें जो है हम इसको बता सकते हैं कि कैप्चर क्या किस तरह कर रहे हैं, मतलब मिसाल तौर कभी कभी क्या होता है कि हम मिसाल तौर कुछ आइटम्स होते हैं, जैसे दराज पे आप पेमेंट करते हैं, सही, दराज पे आपको जो है बता रहे थे आपके पास 3 आइटम है, राइट, आपको पता चल रहा होता है कि भाई 3 आइटम है, जब भी आप जो है वो एड टू कार्ट करके परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है पेमेंट कैप्चर हो जाती है, उसमें जो कैप्चर होता है वो ऑटो होता है, क्योंकि उसमें आपको जो है फर्दर वेरिफिकेशन की जो है जरूरत नहीं होती। लेकिन जो रेस्टोरेंट है जिसमें जो है वो एक्सेप्ट करेगा तो ही वो पेमेंट डिडक्ट होगी, तो जो है तब उसके लिए जो है हमें जो है जरा मैनुअल रखना पड़ता है, जो है जो कैप्चर मेथड है, तो इसमें हमने मैनुअली रखा है कि जब भी ऑथराइज पेमेंट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कैप्चर नहीं होगी, तो हम जो है मैनुअली जो है उसको कैप्चर कर रहे होंगे, तो मकसद यही है। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इसके अलावा ये जो इसने अपने पास जो है ऑप्शन जो है क्रिएट कर लें जो भी थे पेमेंट से रिलेटेड। अच्छा, ये सेशन सर्विस है उसके स्ट्राइप की, और मैं यहाँ पर जो है सेशन सर्विस को जो है मैं इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, हमारे पास जो पेमेंट है उसकी, और मेरे पास एक सेशन जनरेट हो गया। तो सेशन के अंदर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है यूआरएल, जो यूआरएल होता है वो होता है स्ट्राइप का चेकआउट यूआरएल होता है, इसके अंदर इसके बाद जाके जो है हम पेमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, चेकआउट जो है ये भी मैं आपको बता दूँ चेकआउट हम क्यों यूज़ करते हैं। चेकआउट ऐसे यूज़ करते हैं कि चेकआउट जो हमारे पास सर्विस होते हैं पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें वो खुद ही सारी सिक्योरिटी वगैरह मैनेज कर रहे होते हैं, वो हमें ज़्यादा फर्दर जो है हैंडलिंग करने की जरूरत नहीं होती, हमें एक बनी बनाई चीज़ मिल जाती है तो हम वो यूज़ कर लेते हैं, तो इससे हमारा काम भी जो है फास्ट हो जाता है। इंस्टीट्यूट हम अपने खुद फॉर्म वगैरह रेडी कर रहे हैं और खुद से जो है वो अपने सर्वर पर हैंडलिंग डाल रहे हो, तो जो ऑलरेडी टेस्टेड चीज़ है और वो काफ़ी सिक्योर है, तो हम उसके ऊपर जो है रिलाई कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है पेमेंट जैसे इनिशिएट हो गई, तो मैं अपने पास लोकली सेशन है, मेरे पास एक जो है स्टैटिक वेरिएबल है, उसके अंदर मैं सेट कर रहा हूँ उसकी जो भी आईडी है सेशन की, फर्दर जो हमारे पास जो है ऑप्शन है उसमें जो है मैं वो आईडी वहीं से जो है यूज़ कर रहा हूँ, तभी मैं इसको सेट कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए मैं इसको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ कहाँ पर, जो कि यूआरएल है चेकआउट का, डायरेक्टली वहाँ पर ही जो है मैं उसको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, सही है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सही है, तो ये इस टाइप के जो है चेकआउट का पेज है, वहाँ पर लेकर आ गया मुझे। देखें यहाँ पर ये बता रहा है कि ये टेस्ट मोड की पेमेंट है, और अगर मैं इस पर देखें बैक का बटन है, देख रहे हैं नीचे यूआरएल आ रहा है, यहाँ पर देखें यहाँ पर पॉइंट होगा यूआरएल, देखें कैंसिल, क्योंकि मैंने पेमेंट किए बगैर ही और पीछे चला जाता हूँ तो ये कैंसिल केस हो जाएगा, तो मतलब एक फेल केस होगा कि मतलब जो है मैंने पेमेंट की डिटेल वगैरह कुछ किए बगैर ही कैंसिल कर दी पेमेंट, तो जो है मेरे पास पेमेंट कैंसिल हो रही है। खैर, पहले एक सक्सेस केस चला लेते हैं। मेरे पास एक जो है टेस्ट कार्ड की डिटेल है, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे और इसको मैं इधर पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर कोई भी आप फ्यूचर जो है डेट जो है दे सकते हैं, फ्यूचर ईयर, और ये सीवीसी कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल के लिए ईमेल और अपना नाम दे सकते हैं, सही। और मैं जो है इसको पे करता हूँ। पेमेंट सक्सेसफुली होगी, देखें उसने मुझे सक्सेस पे रिटर्न किया, क्यों? क्योंकि जो है मैंने जो सक्सेस जो है दिया था वो ये था, तभी मुझे उसने जो है सक्सेस पे जो है रिडायरेक्ट किया। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, देखें सक्सेस में जो है हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तीनों में से सिर्फ जो है 2 ऑप्शन ही जो है चलेंगे, रिफंड अभी नहीं चलेगा, लेकिन ये क्या चीज़ें सिंपल रखने के लिए जो है इसको आ रहे हैं, 3 ऑप्शन ही आ रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा। लेकिन हम जो है अभी पेमेंट जो है कैप्चर कर सकते हैं या कैंसिल कर देते हैं। मैं यहाँ पर भी ज़रा सा पॉइंट कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास पेमेंट जो ऑथराइज हो चुकी है, कैंसिल हो सकती है या कैप्चर हो सकती है, राइट। देखें यहाँ पर भी सेम ही ऑप्शन है, कैप्चर कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, सिंपली इसको पेमेंट को कैप्चर करता हूँ। अच्छा, कैप्चर करने के लिए मैं एक यूआरएल कॉल हुआ है, उसमें जो है देखिए मैंने यहाँ पर जो है अपने पास सेशन जो मैंने स्टोर किया था, पर जो सेशन जो है पेमेंट सेशन था स्ट्राइप का, उसकी आईडी मैंने अपने पास जो है स्टेट में सेव कर ली थी। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा यहाँ पर जो है कुछ हमारे पास जो सेशन गेट ऑप्शन है, इसमें जो है मैं एक्सपेंड मतलब ये कि उसमें सीधी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क में होता है कि हम लोग जो है फर्दर आपको जो है सिंपल सा ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है, लेकिन आप जो है फर्दर उसके अंदर जो है मिसाल तो जैसे आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है पेमेंट इंटेंट जो है नहीं मिल रहा होता, ताकि जो रिक्वेस्ट है वो जल्दी फास्टली कंप्लीट हो जाए, उसमें जो आपको जो बेसिक डेटा होता है वो मिल जाए। लेकिन अगर हमें जो है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इस तरह जो उसको बता रहते हैं भैया आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर जो है इंक्लूड करा दो, सही है। अच्छा तो इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा यहाँ पर सेशन आईडी से जो है हम सेशन गेट कर रहे होंगे, सेशन के अंदर से जो है पर हम जो है पेमेंट इंटेंट से जो है उसको कैप्चर कर रहे होंगे। पेमेंट इंटेंट जो है सेशन के अंदर पेमेंट इंटेंट होता है हमारे पास स्ट्राइप के अंदर, और पेमेंट इंटेंट के अंदर जो है हमारे पास जो है ट्रांजेक्शन की डिटेल होती है एक्चुअली। तो जो भी ट्रांजेक्शन का जो भी स्टेटस वगैरह तो जो भी चीज होती है वो जो है हमारे पास पेमेंट इंटेंट के अंदर जो है सेव होता है। तो हम जो है सेशन के अंदर से जो है सेशन को गेट करके उसकी आई डी लेकर उसको जो है बता रहे थे भाई ये पेमेंट इंटेंट जो है इसको आप कैप्चर कर दो, एक्चुअली मकसद ये है। इसको कंटिन्यू करता हूँ और मैं इसको फर्दर आगे करता हूँ। तो ये अच्छा जो है पेमेंट कैप्चर मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, हाँ देख रहे हैं ये एक पेमेंट जो हुई है, ये अभी जो अभी अभी हुई है पेमेंट 1/18 जो है इस पर ये कंप्लीट हुआ है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो पेमेंट स्टार्ट हुई, ऑथराइज हुई, उसके बाद ये कैप्चर हुई, देख रहे हैं अभी अभी ये जो पेमेंट जो है इसका फर्दर आप डिटेल भी देख सकते हैं नीचे जो भी स्टेटस वगैरह है उसका, पेमेंट का पूरा जो स्टेप्स हैं उन सारों की जो है एक्टिविटी जो है आप देख सकते हैं उस टाइप में कर। तो अब हम जो है एक फेल केस चलाते हैं, ये तो सक्सेस केस था। अच्छा एक और चीज़ भी हम रिफंड भी कर लेते हैं। अच्छा अब जो है मेरे पास एक पेमेंट जो है कैप्चर हो चुकी है, सही है। अब इसको मुझे रिफंड करना है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ रिफंड पे क्लिक करता हूँ, सही है। तो मैं सेशन गेट कर लेता हूँ और रिफंड सर्विस में ले लेता हूँ, और रिफंड सर्विस के अंदर जो है जो क्रिएट ऑप्शन है रिफंड जो है क्रिएट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो है ये इस आई डी को जो पेमेंट सेशन इसको रिफंड कर दो। तो इसको हम रिफंड कर देते हैं, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, सही है। अब मैं आता हूँ और इससे जो है रिफ्रेश करता हूँ। तो ये अच्छा देख रहे हैं आप पेमेंट जो है रिफंड हो चुकी है, यहाँ पर देख रहे हैं उसको जो कस्टमर को जो है पेमेंट जो है रिफंड हो चुकी है। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही हो जिसे मैं आपको बता दूं। अच्छा देख रहे हैं यहाँ पर फी डिडक्ट हुई है, देख रहे हैं उसमें जो रिफंड की मैंने आपको कहा था कि जो है फी होती है, स्टाइप जो है वो एक प्रोसेसिंग फी ले रहा था रिफंड की, मैंने फिर से जो है यहाँ पर पॉइंट कर दिया। देख रहे हैं अब मैंने जैसे रिफंड किया, देखें अमाउंट जो है यहाँ पर माइनस हुआ, ये जो भी अमाउंट है वो के आर में जो है कर रहा है 2.38 के आर जो है एज अ रिफंड जो है चार्जेस ले रहा है, प्रोसेसिंग फीस जो है ले रहा था स्टाइप। तो मोस्टली पेमेंट गेटवेज ले रहे होते हैं रिफंड करने के चार्जेस, तो ये है। अच्छा रिफंड और कैप्चर जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे याद आ गई। देखिए मिसाल तौर हम जो है उसको बता भी सकते हैं कि जैसे मिसाल तौर 20 रुपये की पेमेंट लगी थी, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं 10 रुपये रिफंड कर दो, तो हम वो भी उसमें ऑप्शन जो है फर्दर जो है उसको बता सकते हैं कि भाई जो है ये पेमेंट आई डी है, उसको जो है पेमेंट इंटेंट की आई डी है, और उसको जाके जो है 10 रुपये रिफंड कर दो, सिर्फ 10 रुपये, तो हम ये भी जो है बता सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ऑप्शनल है, तो ये है रिफंड करने का केस। अच्छा इसके अलावा जो है मैं फिर से जो है एक पेमेंट जो है इनिशिएट करता हूँ, पेमेंट जो है मैं जल्दी से इनिशिएट कर लेता हूँ, और इस पेमेंट को जो है मैं कुछ किए बगैर जो है मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं बैक पे आता हूँ और मैं जो है इस पेमेंट को जो है कैंसिल कर देता हूँ। मोस्टली देखें पेमेंट इंटेंट सर्विस ही जो है यूज हो, देखें इसमें कैप्चर करने के लिए पेमेंट इंटेंट सर्विस यूज हो रही है और कैंसिल करने के लिए भी, तो ये तकरीबन दोनों का जो फ्लो है वो सेम है। मैं पेमेंट को जो है कैंसिल कर देता हूँ, मतलब इनिशिएट जो है मैंने पेमेंट की और मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दी, जो मैंने केस चलाया वो ये चलाया, मैंने जैसे पेमेंट इनिशिएट किया और मैंने जो है कैंसिल कर दी, वहीं से जो है पीछे मुड़ चुका मैं, सही है। अब मैं जो है इसको पेमेंट्स में आया था, मैं फिर से देख रहे ये पेमेंट जो अभी हमारे पास हुई तो ये वो है, देखिए इसमें कस्टमर की डिटेल भी नहीं आ रही, देख रहे हैं, क्योंकि मैंने वो इन्फॉर्मेशन इंटर ही नहीं की, राइट। तो ये है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक पेमेंट जो है मैं एक और लगाता हूँ, टाइम भी हमारे पास हो रहा है। तो अच्छा मैं यहाँ पर जो है पेमेंट जो है करता हूँ, ऑथराइज करता हूँ, लेकिन मैं जो है जाके कैंसिल कर दूंगा। सही है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन कर देता हूँ। सही है, सही है, पेमेंट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। सही है, तो मैं कैंसिल पे क्लिक किया तो मेरे पास सेशन आईडी तो इसमें स्टोर। जब भी हम पेमेंट इनिशिएट करते हैं एक्चुअली हम जो है सेशन जो है स्टेट में जो है जो पेमेंट सेशन आईडी होती है हम स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब हम आगे फर्दर जो स्टेप्स हैं 3-4 वो हम उस पर परफॉर्म करें तो हमारे पास आईडी हो। तो ये है, इसमें जो है हम डायरेक्टली कैंसिल कर रहे हैं, ऑथराइज पेमेंट को एक्चुअली हम कैंसिल कर रहे हैं। सही है, और मैं कंटिन्यू करता हूँ। सही है, अच्छा अब मैं यहाँ पर आऊँ तो इसको रिफ्रेश करूँ। ये जो एग्जांपल प्रोजेक्ट था ये जो है देखिए कैंसिल हो चुकी है। यहाँ इसकी जो है ये हैंडलिंग है, लेकिन अब मैं आपको जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्टेप है वो है कॉल बैक्स। कॉल बैक जो है फिर मैं आपसे जो है थोड़ा डिस्कस करूँगा, कॉल बैक्स बड़े ज़रूरी हैं। तो ये है, देखें अब जैसे मैंने पेमेंट कैंसिल की कैप्चर किए बगैर देखें रिफंडेड जो है पूरे के पूरे पैसे रिफंड हो गए, क्योंकि उसने कोई मैंने अपने अकाउंट से जो उसको वापस नहीं किए, उसके अकाउंट से जो अमाउंट लॉक हो चुके थे उसको मैंने रिलीज कर दिया। एक्चुअली जो अमाउंट जो है जैसे उसने ऑथराइज की वो अमाउंट उसकी लॉक हो गई, तो मैंने उसको रिलीज कर दिया तो वापसी जो है उसके पास जो है चली गई पेमेंट, तो मेरे पास आई नहीं थी, तो मेरे पास वापसी जाने के चार्जेस कटे ही नहीं। तो सिंपल ये फ्लो था। पेमेंट गेटवेज काफ़ी सिंपल होते हैं इसके फ्लोस वगैरह, लेकिन जो है थोड़ा ध्यान से करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो, मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ प्रैक्टिसेस में हमारे पास होता है कि पेमेंट हो जाती है ऑर्डर नहीं लगता, ऑर्डर लग जाता है पेमेंट नहीं होती। ये दो जो है कॉमन जो है मसले होते हैं पेमेंट गेटवेज के। तो इसकी हम बेस्ट प्रैक्टिस जो है अगर नेक्स्ट टाइम मिला तो जो है हम लोग जो है डिस्कस कर रहे होंगे आप लोगों के साथ। लेकिन एक चीज़ जो है मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कॉल बैक्स की। कॉल बैक्स जो है बड़े ज़रूरी है, कॉल बैक्स जो है 2 मिनट लूँगा इस बारे में डिस्कस करने के लिए। देखिए कॉल बैक्स में आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट जो है इसकी क्यों ज़रूरी है। मिसाल तौर कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जैसे मैंने पेमेंट लगाई और मैंने ब्राउजर क्लोज कर दिया, अब मेरे पास जो है वो रिडायरेक्ट हुआ नहीं, सक्सेस पे मेरे पास ऑर्डर लगा नहीं, और हम डायरेक्ट हैंडलिंग रख देंगे भाई जो है पेमेंट होने के बाद जिस यूआरएल पे रिडायरेक्ट करेगा उस पे जाके हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे, तो जो है ये चीज़ जो है खतरनाक होती है, क्योंकि उसने पेमेंट करते ही ब्राउजर क्लोज कर दिया और वो हमारे सर्वर पे रिडायरेक्ट हुआ ही नहीं, तो जो है वो पेमेंट तो हो जाएगी लेकिन ऑर्डर नहीं लगेगा। तो पेमेंट गेट जो कॉल बैक्स होते हैं क्या करते हैं कि बैक से जो है पिछले दरवाजे से एक्चुअली जो हमारे पास पेमेंट गेटवे होते हैं हमारे पास एक जो है कॉल करते हैं हमारे जो कॉल बैक्स होता है उस पर, और जो उसको बता देता है भाई ये जो पेमेंट है ये जो हो चुकी है, मतलब तो है अपने एंड पे जो है उस ऑर्डर को जो एक्चुअली पर प्लेस कर देते हैं। तो ये ज़रूरी जो है, मतलब ये इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो चीज़ें होती हैं जो कि मिस हो रही होती हैं, पेमेंट लग गया, जो पेमेंट लगी ऑर्डर नहीं लगा, ऑर्डर लग गया पेमेंट लगी, तो इससे चीज़ें जो है हैंडल हो जाती हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है छोटी सी पेमेंट जो है कॉल बैक की स्ट्राइप की किस तरह हैंडल हो रहा था भैया। अगर जो है अमाउंट कैप्चर हो जाए तो फर्दर जो है हम यहाँ पर अंदर ऑर्डर जो है प्लेस कर रहे होते हैं, एक्चुअली सिंपल सी यही है। फर्दर कॉल बैक्स भी है तो, लेकिन हम उनका भी लेसन नहीं कर रहे, हम सिंपल जो हमारे पास काम की चीज़ है कि जब पेमेंट लग जाए तभी हम उसको एक्शन परफॉर्म करें। तो ये है ये था सेशन आज का। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दें, तो मुजाहिद सर जो है हमारे पास वो आपको जो है फिर वो आंसर करेंगे, और कुछ मैं कर सका तो मैं भी कर रहा हूँ। जी बोले, सेशन बहुत अच्छा था, काफ़ी डिटेल में मुजाहिद ने कवर किया। इसमें बस 2 इनपुट मैं देना चाहूँगा। एक तो इनपुट ये था कि जब भी आप बेसिकली वैल्यूएशन कर रहे हो किसी भी पेमेंट गेटवे की, तो ये जो प्रेजेंटेशन मुजाहिद ने दी है आप इसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें तमाम ये फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि इनिशिएट की बात की, ऑथराइज हो, उसके अंदर कैप्चर हो, कैंसिल हो, रिफंड हो, क्योंकि ये हर बिजनेस का नॉर्मली पार्ट होता है। प्लस इसके अलावा एक और चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि पेमेंट गेटवेज इम्प्लीमेंट करने के भी ना दो तरीके होते हैं नॉर्मली जो हर पेमेंट गेटवे में होता है। एक यूजिंग रॉ एपीआईज होता है और दूसरा ये होता है कि उनकी एसडीकेज यूज़ कर रहे हो। तो आपने देखा होगा मुजाहिद ने जो सैंपल प्रेजेंट किया था उसके अंदर एक चेकआउट का पेज खुला था, तो वो हमारा अपना बनाया हुआ पेज नहीं था, वो एक्चुअली स्ट्राइप का अपना था, जिस जो कि इस तरह से कॉल होता है कि जब फर्स्ट टाइम इनिशिएट कॉल करते हैं तो एक टोकन रिटर्न होता है और टोकन की बेसिस पे वो इनिशलाइज होता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका इसलिए होता है कि इसमें आपको, क्योंकि हम फिनटेक कंपनी तो है नहीं, ठीक है, तो अगर हम रॉ एपीआईस यूज़ करेंगे अपने डेटाबेस में कार्ड की डिटेल्स और दूसरी चीज़ें सेव करे होंगे तो हमें PCI DSS सर्टिफाइड कंप्लाइंट होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये SDK वाली अप्रोच यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों से हमें निजात मिल जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वही लोग हैंडल कर रहे होते हैं जिनका हम चेकआउट पेज कॉल करते हैं। तो जैसा अभी मुजाहिद ने एक सैम्पल प्रेजेंट किया था तो ये बेसिकली स्ट्राइप का सैंपल था और स्ट्राइप का चेकआउट पेज था, तो हमें PCI कंप्लाइंट होने की जरूरत नहीं है इस केस के अंदर, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये थी, जब भी आप एवेल्युएट कर रहे हो तो ये देख लें कि उनकी अपनी SDKs हैं। दूसरा ये जो इवेंट्स की बात की मुजाहिद ने वो है, और तीसरी एक और चीज़ है जो आजकल काफ़ी कॉमन है। आपने देखा होगा हबीब मेट्रो से कभी भी आप पेमेंट करें ना अपने जो कंपनी के सैलरी अकाउंट है या इनके कार्ड्स हैं, तो आपके पास ना हबीब जब आप पेमेंट करते हैं तो हबीब मेट्रो के वेब पेज पे ले जाता है जहाँ पे वो SMS कोड या OTP मांगता है आपसे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो OTP की रिक्वायरमेंट है ये 3D सिक्योर कहलाती है। तो ये नॉर्मली पेमेंट गेटवेज में होती है और ये 3D सिक्योर एक्चुअली पेमेंट गेटवेज नहीं इम्प्लीमेंट करते, ये बैंक्स इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जिस भी बैंक में ऑन होती है वो पेज दिखा देता है इस केस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर एवेल्युएट करेगा कि 3D सिक्योर की सपोर्ट हो पेमेंट गेटवे। किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ रेज करें।